हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एल फाइन। तो आज हम बना रहे हैं राइनस्टोन वाली ज्वेलरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइनस्टोन वाले इयररिंग्स बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है ट्रांसपेरेंट शीट और इसको 4x2 सेंटीमीटर कट कर लिया। नेक्स्ट हमने इसकी चारों साइड्स पे राइनस्टोन चेन को स्टिक करना है। मैंने यहाँ ग्लू गन का यूज़ किया है, लेकिन आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। राइनस्टोन चेन को आपने बहुत ही नीटली स्टिक करना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने पहले इसकी तीनों साइड्स पे राइनस्टोन चेन को स्टिक किया, फिर इसके सेंटर से एक्स्ट्रा शीट को कट कर दिया। फोर्थ वाली साइड को हमने लास्ट में कवर करना है। उसकी ये रीज़न है कि इस तरह से शीट बहुत नीटली कट होती है। तो चारों कॉर्नर्स पे स्टिक करने के बाद हमारा इयररिंग का नीचे वाला पार्ट हो गया रेडी। देन हमने इसके एक पार्ट पे आई पिन स्टिक करनी है। इसी तरह सेम प्रोसेस से हमने इसका ऊपर वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। मैंने इयररिंग का ऊपर वाला पार्ट पहले से रेडी करके रखा है। अब दोनों पार्ट्स को आई पिन और जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर देना है। इन्हें बनाने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप घर में इस तरह से मार्केट जैसे इयररिंग्स बहुत ही इजीली बना सकते हैं। फाइनली हमारे इयररिंग्स हो गए रेडी और इनकी फाइनल लुक आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, आपको ये इयररिंग्स कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैंने इन इयररिंग्स के साथ सेम पेंडेंट बनाया है और इस पेंडेंट को बनाने का भी सेम प्रोसेस है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का साइज 3x3 सेंटीमीटर रखा है। बाकी इयररिंग्स वाले सेम प्रोसेस से मैंने इस पेंडेंट को रेडी किया है। एंड लास्ट पे मैंने आई पिन की हेल्प से इसके साथ चेन अटैच कर दी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की ज्वेलरी आप किसी भी फंक्शन पे इजीली वेयर कर सकते हैं। शादी का फंक्शन हो, पार्टी वेयर हो, या किसी मीटिंग में जाना हो, क्योंकि इस टाइप की ज्वेलरी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। एंड देखते ही देखते हमारा पेंडेंट भी हो गया रेडी। आई होप आपको पसंद आया होगा, पर ट्रस्ट मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने खुद बनाया है। एंड अपनी बनाई हुई चीज़ से तो इंसान को वैसे ही बहुत प्यार होता है। एंड ये तो बनने के बाद बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट जैसी ज्वेलरी लग रही थी। ये वीडियो मैंने काफ़ी देर बाद अपलोड की है, बट मैं इसे 4 से 5 टाइम वेयर कर चुकी हूँ। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।